अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो था प्रोजेक्शन का। अब द प्रॉब्लम ऑफ प्रोजेक्शन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों का जो प्रोजेक्टेड जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर हम लोग जो है वो एक्चुअली मैपिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोगों के पास जो प्रोजेक्शन होती है वो ये है कि जो मैपिंग है वो डिटरमिन की जाती है एक प्रोजेक्शन लाइन से, जिसको हम प्रोजेक्टर कहते हैं, और ये हमारे जो है वो पॉइंट में से पास होती है और इंटरसेक्ट करती है व्यू प्लेन। सिमिलरली यहाँ पे आप देखें प्रोजेक्शन, व्यू प्लेन और प्रोजेक्टर, ठीक है, ये हमारे पास लाइन है जो उस पॉइंट के पास होती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शन है वो दो तरह के हैं, एक है पैरेलल प्रोजेक्शन और एक है प्रिस्क्रिप्टिव प्रोजेक्शन। पैरेलल प्रोजेक्शन जो है उसको आज हम लोग देखेंगे कि पैरेलल प्रोजेक्शन जो है उसके अंदर हमारे पास किस किस्म की प्रोजेक्शन होती है। तो इसके अंदर नंबर वन पे आप लोग यहाँ पे, अगर ये आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो यहाँ पे डायग्राम के अंदर, इसमें ऑर्थोग्राफिक और ओब्लिक, ठीक है, दो तरह की हमारे पास जो है वो पैरेलल प्रोजेक्शन की जो है वो टाइप्स हैं। और इसके अंदर फिर ऑर्थोग्राफिक के अंदर हमारे पास मल्टी व्यू और एक्सोनोमेट्रिक जो है वो प्रोजेक्शन है, और ओब्लिक के अंदर हमारे पास जर्नल है, जर्नल में हमारे पास ये दोनों जो हैं टाइप्स हैं। अच्छा, पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर हमारे पास होता क्या है कि ये कौन लोग यूज़ करते हैं पैरेलल प्रोजेक्शन को, ये ड्राफ्टर्स और इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ड्राइंग्स को क्रिएट कर सकें किसी भी ऑब्जेक्ट को, और इसके स्केल और शेप को जो है वो प्रिजर्व कर सकें। तो यहाँ से इस लाइन से आप लोगों को एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो प्रोजेक्शन है वो, जो पैरेलल प्रोजेक्शन है वो एक्चुअली क्या करती है, अगर तो प्रोजेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट की के स्केल और शेप का ख्याल रखा जाए तो उसको हम कहेंगे ये क्या है हमारे पास पैरेलल प्रोजेक्शन है। द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज डिटेल्स ऑफन रिक्वायर टू और मोर व्यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन टू डिफरेंट व्यू प्लेन्स। और पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर जो इमेज पॉइंट्स हैं उनको जो है वो ढूंढा जाता है एज द इंटरसेक्शन ऑफ व्यू प्लेन विद द प्रोजेक्टेड ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पॉइंट एंड हैविंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन, जैसे आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ें हम नीचे आपको बताएंगे। अच्छा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन इज प्रिस्क्राइब्ड डायरेक्शन ऑफ ऑल प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आर कैरेक्टराइज बाय द फैक्ट दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द व्यू प्लेन। मैंने ऑर्थोगोनल आपको बताया था कि जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल, यानी कि दो लाइन आपस में स्ट्रेट वे में एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करके तो ऑर्थोगोनल हो जाती है। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन इज पैरेलल टू एनी ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस द फ्रंट टॉप एंड साइड व्यूज ऑफ मैथमेटिकल ऑफ मैकेनिकल ड्राइंग्स, इनको हम लोग क्या कहते हैं, या मल्टी व्यू ड्राइंग, ठीक है, उनके उनके ज़रिए अगर आप लोग कोई चीज़ स्टडी कर रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन उनके पैरेलल है तो वो फिर आपकी क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की कैटेगरी में आती है। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो हैं वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होती तो वो आप लोगों के पास एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन प्रोड्यूस हो जाती है। नॉन ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शन आर कॉल्ड ऑब्लिक पैरेलल प्रोजेक्शन, ये क्या कहलाती हैं, ऑब्लिक पैरेलल प्रोजेक्शन कहलाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली ये देखा कि प्रोजेक्शन होती क्या, प्रोजेक्शन के अंदर हमारे पास प्रोजेक्टर होना चाहिए और हमारे पास व्यू प्लेन होना चाहिए, ठीक है, प्रोजेक्टर एक पॉइंट पी में से पास होता है और वो उसको प्रोजेक्ट कर देता है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे पैरेलल प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास पैरेलल प्रोजेक्शन से मुराद ये है कि हम लोग प्रोजेक्शन तो करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट के स्केल और शेप के ऊपर तो काम होगा लेकिन उसकी डायरेक्शन को साथ में स्टडी किया जाएगा। अगर ये डायरेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के साथ है, यानी कि उनके पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल प्रोजेक्शन है, और अगर ये उसके साथ पैरेलल नहीं है तो ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ठीक है, और ऐसी प्रोजेक्शन जो ऑर्थोग्राफिक ना हो, ठीक, वो आपके पास क्या कहलाती है, ऑब्लिक पैरेलल प्रोजेक्शन कहलाती है। तो
उसके बाद अगर हम लोग इसको मैथमेटिकल देखें, मैथमेटिकली देखें, तो हम लोगों को ये पता चलेगा कि जो प्रोजेक्शन रेज हैं, ठीक है, जिनको प्रोजेक्टर्स कहते हैं, इमिनेट फ्रॉम अ सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन एस सी ओ पी जिसको कहते हैं, इंटरसेक्ट प्रोजेक्शन प्लान पी पी, द सी ओ पी फॉर पैरेलल प्रोजेक्शन इज एट इंफिनिटी, द लेंथ ऑफ अ लाइन ऑन द प्रोजेक्शन प्लान इज सेम एज द ट्रू लेंथ। ठीक है, आप लोग जो पैरेलल प्रोजेक्शन के अंदर पॉइंट पी पे जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो आपकी उसकी वैल्यू जो है वो क्या अडॉप्ट कर सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे शो करवाते हैं, लाइक जैसे देखिए ये पैरेलल लाइंस हैं आपकी दो, ठीक है, इनको P1 P2 P1 P2, और ये आपका व्यू प्लेन है, ठीक है, और इसके अंदर इसको शो किया गया। अब हमारे पास पैरेलल प्रोजेक्शन में ओब्लिक और ऑर्थोग्राफिक ये फर्दर दो टाइप्स आती हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर ये प्रोजेक्शन प्लान है, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मैंने बताया था आपको कि ये आप लोगों की परपेंडिकुलर होती है किसके, टू द प्रोजेक्शन प्लेन, यानी कि सीधी, अगर आप फर्ज करें आपके यहाँ हाथ पे टॉर्च पकड़ी हुई और आप उसके जमीन पे सीधा 90 डिग्री के एंगल पे, तो वो आप लोगों का जो पॉइंट वहाँ पे बनेगा लाइट का, ठीक है, वो आप लोगों का क्या कहलाएगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाएगा। तो लुक एट द पैरेलल प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई जी, और इसके अंदर आप लोगों के पास क्या है, द प्रोजेक्शन प्लान इज इक्वल टू 0xy आर द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वैल्यूज, जिसके अंदर हमारे पास एक्स पी और वाई पी वैल्यू आती है, ठीक है, और इसको अगर हम लोग डायमेंशन के थ्रू शो करना चाहें तो ये इस तरह से है आप लोगों के पास, ठीक है, प्रोजेक्शन, इसमें एक्स वाई जी जो है वो आपके पास आ रहा है। इसी तरह से एक्सोनोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है इसके अंदर क्या है, मोर देन वन साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड एक्सोनोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, यानी कि आप लोग अपने प्रिंसिपल एक्सिस को फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि आप लोग टॉप साइड और फ्रंट व्यू से पॉइंट्स को लेके और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर तीन तरह की आप लोगों के पास काम है, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक। आइसोमेट्रिक के अंदर हमारे पास क्या है कि ये मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन प्लान इंटरसेक्ट्स ईच कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द मॉडल कोऑर्डिनेट सिस्टम एट एन इक्वल डिस्टेंस और द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन मेड इक्वल एंगल्स विद ऑल द थ्री प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे यहाँ पे आप लोगों को तीनों डायमेंशन में शो किया हुआ है किस तरह से इक्वल डिस्टेंस और इक्वल एंगल्स बन रहे हैं, लाइक जैसे यहाँ पे है, ठीक है, और द प्रोजेक्शन प्लान इंटरसेक्टिंग द एक्स वाई जी एक्सिस आर इक्वल डिस्टेंसिस एंड द प्रोजेक्शन प्लान नॉर्मल मेक्स एन इक्वल एंगल विद द थ्री एक्सिस, ठीक है। अब डायमेट्रिक के अंदर डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मीन्स इक्वल एंगल विद एग्जैक्टली टू ऑफ द प्रिंसिपल्स, जबकि ट्राइमेट्रिक के अंदर अनइक्वल एंगल्स जो हैं वो बनेंगे विद द थ्री प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे सिंपली आप देखो कि जैसे जैसे आप लोगों की एंगल्स की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं वैसे उसकी टाइप चेंज हो जाती है। बायोमेट्रिक में दो के साथ एग्जैक्ट पेयर बन रहा है, ट्राइमेट्रिक में अनइक्वल है विद प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह से ऑब्लिक प्रोजेक्शन जो है इसके अंदर क्या है कि इफ़ द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन प्लान देन इट इज़ एन ऑब्लिक प्रोजेक्शन। अब देखिए ये क्योंकि ऑर्थोगोनल नहीं है, ऑर्थोगोनल होता तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा होता, तो ये ऑब्लिक है। अब द प्रोजेक्शन आर नॉट परपेंडिकुलर टू द पोजिशनल प्लान बट आर पैरेलल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द पोजिशन प्रोजेक्शन प्लान। Transformation equations for an orthographic parallel projection are straightforward if the view plane is placed at position ZVP and the Z-axis. Then any point XYZ in viewing coordinates is transformed to projection coordinate as आप लोगों के पास किस तरह से होगा projected point जो है उनको एक्स पी वाई पी के जरिए किया जाएगा और ये इसके अंदर एक्चुअली वैल्यू क्या होगी एक्स वाई की होगी, लेकिन जो जी कोऑर्डिनेट है ठीक है इसको इसकी वैल्यू को प्रिजर्व किया जाएगा फॉर द डेप्थ इंफॉर्मेशन नीडेड इन डेप्थ क्यूइंग एंड विजिबल सरफेस डायमेंशन। अब इसके अंदर ये देखिए पूरा उन्होंने आप लोगों को जो है ना वो डिस्प्ले करके दिखाया हुआ है कि आप लोगों के पास किस तरह से एक्स वाई और जी प्लान जो है उसको जो है वो किया जा रहा है और किस तरह से आप उनका जो एंगल है वो बनता है और किस तरह से एक्स वाई जी
प्लान को एंगल अल्फा की मदद से जो है वो क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है। तो ये नीचे इन्होंने टेक्निकल टर्म्स में आपको बताया हुआ है कि कॉस और साइन को यूज़ करते हुए किस तरह से प्रोजेक्शन जो है वो फाइव वैल्यूज़ के साथ की गई है। तो यहाँ पे ये सारी मैट्रिक्स दी हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर प्रोड्यूसिंग एनी पैरेलल प्रोजेक्शन, तो उसके अंदर आप लोग ये वाली वैल्यूज यूज़ करेंगे। नाउ इफ अल्फा इज 90 डिग्री, ठीक है, तो आप लोगों के पास प्रोजेक्शन लाइन जो है वो प्रोडक्ट जो परपेंडिकुलर टू प्रोडक्शन प्लान होगी, ठीक है। तो जो टेन अल्फा होगा वो इंफिनिटी होगा, एल वन जो है वो आपका ज़ीरो होगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये क्या होगी, ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होगी। तो यहाँ पे आप लोग ये देखें कि अगर इसको उसने 4x4 मैट्रिक्स शो किया, ठीक है, एक्स वाई प्लान के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया, तो यहाँ पे जो उनकी वैल्यूज ऑन है उनकी जगह पे 1 है और जो ऑफ है उनकी जगह पे 0 है, तो आप लोग इसको देख सकते हो। बाकी ये नेक्स्ट जो है वो डिटेल डिस्कशन हम लोग अभी ये देख लेते हैं कि टू हमारे पास ऑब्लिक प्रोजेक्शन के दो केसेस हैं, कैवेलियर और कैबिनेट, ठीक है। कैवेलियर के अंदर आप लोगों के पास 45-30 डिग्री के एंगल्स के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है, और उसके अंदर अल्फा जो है 45 डिग्री के ऊपर सेट किया जाता है, ठीक है। और L1 जो है उसको वैल्यू 1 किया जाता है। तो इस तरह से परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन जो है उसको यूज़ करते हुए, ठीक है, विद नो चेंज इन लेंथ प्रोजेक्शन की जाती है। और कैबिनेट के अंदर अल्फा जो है उसकी वैल्यू को 2, अल्फा को 63.40 और जो लाइन होती है उसको हाफ कर दिया जाता है, ठीक है। लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन आर प्रोजेक्टेड एट 1/2 लेंथ, यहाँ पे प्रोजेक्टेड की जाती है 1 की लेंथ पे, ठीक है। दिस इज़ अ कैबिनेट प्रोजेक्शन, तो ये आप लोगों के पास कैबिनेट जो है उसकी प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पे होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होगी। हम लोगों ने टोटली देखा कि प्रोजेक्शन जो है उसके अंदर हम लोगों की जो पैरेलल प्रोजेक्शन है उसके अंदर हम लोग किस तरह से काम करते हैं। तो उसके अंदर हमने देखा कि पैरेलल प्रोजेक्शन के फर्दर टू टाइप्स हैं, ऑर्थोग्राफिक एंड ओब्लिक। ऑर्थोग्राफिक में स्ट्रेट इंटरसेक्शन के ऊपर काम किया जाता है, ओब्लिक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होती प्रोजेक्शन वो ओब्लिक की कैटेगरी में जाती है। तो फिर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के अंदर भी जाते हुए हम लोगों ने देखा कि एक्सोनोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस भी होती हैं, जिसके अंदर फिर हमारे पास आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और प्राइमेट्रिक की टाइप्स आती है। सिमिलरली फिर हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग जब इसको स्टडी कर रहे होते हैं तो फिर उसके बाद हम लोगों को सिंपली ओब्लिक प्रोजेक्शन के बारे में बताया जाता है। तो ओब्लिक प्रोजेक्शन के लास्ट में जाके हमें फिर दो टाइप्स मिलती हैं, जिसके अंदर कैविलियर और कैबिनेट होता है। तो होपफुली आप लोग को ये समझ आ गई होगी, जिसको प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछ सकते हैं।